नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार, जमकर की जा रही खरीदारी। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए जहन्नुम बना तालिबान शासन, परिवार की भूख मिटाने के लिए पिता ने कर दिया अपनी 9 साल की बेटी का सौदा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं KL राहुल, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाएगा आराम। अजीत पवार पर आयकर विभाग का कसा शिकंजा, 1,000 करोड़ की 5 संपत्तियां जब्त। विराट कोहली की बेटी को धमकी देने का मामला, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे 2 बच्चों के शव मिले, एक को कंटीले तारों पर उल्टा लटकाया। गाजीपुर में रफ्तार का कहर, चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 6 लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पीटा। समीर वानखेड़े का आरोप, मेरे परिवार को फंसाने की हो रही कोशिश, ड्रग पेडलर ने मेरी बहन से किया था संपर्क। भाजपा में शामिल हुए सपा विधायक सुभाष पासी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। केंद्र के टीकाकरण अभियान ने देश में बनाए 2 गुट, केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी, कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों के मौलिक अधिकारों का हो रहा हनन। परिवार के साथ ऐश्वर्या राय ने जमकर की बर्थडे पार्टी, ऐश्वर्या ने अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ साझा की फोटो। मुंबई की राकपा नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी पहुंची ईडी दफ्तर, जमीन घोटाले मामले में हो रही है जांच। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा नए मामले, देश में 259 दिनों बाद सबसे कम केस। 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख गिरफ्तार, ईडी ने 5 बार जारी किया था समन। दिवाली पर बिग बॉस के घर में फूटा बम, काम्या पंजाबी और देवलीना ने खोली विशाल, तेजस्वी और ईशान की हकीकत। टीम इंडिया की हार पर बरसे शशि थरूर, कहा T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन सबने देखा। हिमाचल प्रदेश की उपचुनाव की 3 सीटों पर जीती कांग्रेस पार्टी, TMC की बंगाल में 2 सीटों पर फतह। बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर फिर जदयू का कब्जा, सिर्फ मैट्रिक पास है नीतीश कुमार के विधायक अमन भूषण हजारी। विशल ब्लोअर ने कहा, फेसबुक CEO का पद छोड़े मार्क जुकरबर्ग, नाम बदलने से नहीं पड़ेगा फर्क। मेरठ में धनतेरस पर रही खूब धूम, महंगाई के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ हुई खरीदारी।